और अब खबर राजनीति की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कहा कि कमलनाथ सुंदरकांड करा रहे हैं और दिग्विजय सिंह लंका कांड। उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह ने कंसल्टेंसी खोल रखी है, वे सबको सलाह देते रहते हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और सभी से सावधानी पूर्वक और नियमों का पालन करते हुए रक्षाबंधन मनाने की सलाह दी। उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर कहा कि अभी लॉकडाउन बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। राम मंदिर निर्माण के मुहूर्त को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर नरोत्तम ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कब से ज्योतिषाचार्य हो गए, उन्होंने किससे मुहूर्त निकलवाया है। कोरोना जैसी बीमारी को राजनीति से जोड़ना सही नहीं है। उन्होंने कहा एक नेता सुंदरकांड करवा रहे हैं और दिग्विजय सिंह लंका कांड कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इतिहास गवाह है, जब जब धार्मिक काम या हवन हुआ है तब तक आसुरी शक्ति विघ्न बाधा डालती आई है। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर चुटकी लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने फ्री कंसल्टेंसी खोल रखी है, पक्ष विपक्ष सबको सलाह देते रहते हैं, दिग्विजय सिंह बस ट्वीट ही कर सकते हैं। बहुत पवित्र दिन है, बहन की रक्षा का संकल्प और उस रक्षा में इस करोना काल में तो ये संकल्प भी ले राखी बंधवाते में कि वो पूरी दूरी बना के रखेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और हर करोना पीड़ित की मदद करने का जलवा जज्बा होगा। करोना से फिर कहता हूँ घबराना नहीं है, सावधानी रखना है और इसलिए जहाँ पर लॉकडाउन हो वहाँ पर ई राखी और जहाँ लॉकडाउन नहीं है वहाँ निश्चित दूरी का ही ख्याल रखें। अभी बढ़ा लॉकडाउन को बढ़ाने का कोई विचार नहीं है और मुझे नहीं लगता कि बढ़ेगा। वो ज्योतिषाचार्य कब से हो गए ये तो बता दें और या किससे उनने मुहूर्त निकलवाया ये बता दें, हम उनसे शास्त्रार्थ करवा दें किसी का। मैंने कहा ना कि जिस तरह से उन्होंने ये बीमारी को भी राजनीति के अंदर लाए हैं, इधर कमलनाथ जी सुंदरकांड करा रहे हैं, इधर दिग्विजय सिंह जी लंका कांड में भी ये चाहते हैं कि उस तरफ बढ़ जाए। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई धार्मिक काम यज्ञ हवन होते थे तब तब आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा डालती हैं। ये दिग्विजय फ्री कंसल्टेंसी खोल रहे हैं, ये सबको सलाह देते हैं सुबह से शाम तक। प्रधानमंत्री को तो सलाह, राहुल गांधी को तो सलाह, मुख्यमंत्री को तो सलाह। अब वो सक्रियता क्या मानते हैं, ट्वीट करना सक्रियता मानते हैं ये जब तक। अब तो खैर उनको तो ट्विटर की ही चिड़िया उड़ा सकती है, बाकी तो उम्र हो गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।